इस बीच ले कोर्ट के एक पूर्व अधिकारी ग्वेन किम ने मार्क के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राजा ने ट्रांटोन को थानहुआ क्षेत्र में ले कोर्ट को बहाल करने में मदद की। इस प्रकार उत्तरी कोर्ट मार्क और दक्षिणी कोर्ट पुनर्स्थापित ले के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। ग्वेन किम के पक्ष ने एनाम के दक्षिणी भाग थानहुआ से दक्षिण तक को नियंत्रित किया, जिससे उत्तर डोन किन हनोई सहित मार्क के नियंत्रण में रह गया। 104 जब 1545 में ग्वेन किम की हत्या कर दी गई, तो सैन्य शक्ति उनके दामाद त्रेनी किम के हाथों में आ गई। 1558 में ग्वेन किम के बेटे ग्वेन हुंग को संदेह था कि ट्रेन किम उसे मार सकते हैं, जैसा उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाई के साथ किया था। वर्तमान क्वान बिन्ह के आसपास की सुदूर दक्षिण प्रांतों का गवर्नर बनने के लिए बिन्ह दीन में जाने को कहा। हुंग ने पागल होने का नाटक किया, इसलिए किम को ये सोचकर मूर्ख बनाया गया कि हुंग को दक्षिण भेजना एक अच्छा कदम था, क्योंकि हुंग को कानून विहीन सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्दी ही मार दिया जाएगा। 105 हालांकि हुंग ने दक्षिण पर प्रभावी रूप से शासन किया, जबकि ट्रेन किम और उसके बाद उनके बेटे ट्रेन तुंग ने मैक के खिलाफ युद्ध जारी रखा। ग्वेन हुंग ने युद्ध में मदद के लिए उत्तर में धन और सैनिक भेजे, लेकिन धीरे धीरे वह अधिक से अधिक स्वतंत्र होता गया और अपने राज्य के आर्थिक भाग्य को बदलकर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। 105 ले त्रिंग और माक राजवंशों के बीच गृह युद्ध 1592 में समाप्त हुआ, जब त्रेनतुंग की सेना ने हनोई पर विजय प्राप्त की और राजा माक माओ होक को मार डाला। माक शाही परिवार के बचे हुए लोग काओ बन प्रांत के उत्तरी पहाड़ों में भाग गए और 1677 तक वहां शासन करते रहे, जब त्रिनटेक ने इस अंतिम माक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। ग्वेन किम की बहाली के बाद से ले सम्राट केवल नामात्र के लिए काम करते थे। माक राजवंश के पतन के बाद उत्तर में सभी वास्तविक शक्ति त्रिन प्रभुओं के पास थी। इस बीच मिंग अदालत ने अनिच्छा से वियतनामी गृह युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप का फैसला किया, लेकिन माक दान दुंग 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जापान और वियतनाम के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने 1591 में संबंध स्थापित किए। 106 जापान के तोकुगावा शोगुनेट और क्वान नाम के गवर्नर ग्वेन हुंग ने 1589 से 1612 तक कुल 34 पत्रों का आदान प्रदान किया और 1604 में हुईएन शहर में एक जापानी शहर की स्थापना की गई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट वर्ष 1600 में ग्वेन हुंग ने भी खुद को लॉर्ड आधिकारिक रूप से हुंग लोकप्रिय रूप से चुआ घोषित किया और ट्रेन की मदद के लिए और अधिक धन या सैनिक भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी राजधानी को फुजुआन आधुनिक दिन में स्थानांतरित कर दिया। 55 वर्षों तक दक्षिण पर शासन करने के बाद 1613 में ग्वेन हुंग की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके छठे बेटे ग्वेन फुक ग्वेन ने पदभार संभाला, जिन्होंने भी ट्रेनी की शक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, फिर भी ने सम्राट के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। 107 1623 में अपने पिता त्रन तुंग की मृत्यु के बाद त्रन त्रांग ने उनका स्थान लिया। त्रांग ने ग्वेन फुक ग्वेन को अपने अधिकार के अधीन रहने का आदेश दिया। इस आदेश को दो बार अस्वीकार कर दिया गया। 1627 में त्रन त्रांग ने एक असफल सैन्य अभियान में 150,000 सैनिकों को दक्षिण की ओर भेजा। त्रन अधिक शक्तिशाली थे, उनकी आबादी अर्थव्यवस्था और सेना अधिक थी, लेकिन वे ग्वेन को हराने में असमर्थ थे, जिन्होंने दो रक्षात्मक पत्थर की दीवारें बनाई थी और पुर्तगाली तोपखाने में निवेश किया था। 1627 से 1672 तक त्रन ग्वेन युद्ध चला। त्रन सेना ने कम से कम 7 बार आक्रमण किया, लेकिन वे सभी फुजुआन पर कब्जा करने में विफल रहे। 1651 से शुरू होकर कुछ समय के लिए ग्वेन ने खुद ही आक्रमण किया और त्रन क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर हमला किया। हालांकि 1655 तक एक नए नेता त्रनटेक के नेतृत्व में त्रन ने ग्वेन को पीछे धकेल दिया। 1672 में एक आखिरी आक्रमण के बाद ट्रनटेक ने ग्वेन लॉर्ड नगुएन फुकटेक के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई। देश प्रभावी रूप से दो भागों में विभाजित हो गया।